स्टूडेंट, आई होप आज के प्रैक्टिस सेशन में आपने मैक्सिमम क्वेश्चन बना लिया होगा, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। अभी तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट इन अ रिएक्शन ए ए प्लस बी बी, ठीक है, टेंस टू गिव सी सी प्लस डी डी। तो रेट आपको जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर वन क्या बोल रहा, रेट दिया हुआ माइनस डी ए बाई डी टी। तो ये तो पहली बात तो ये यहाँ से मीनिंग आपको ये समझ में आ रहा है कि ये रिएक्टेंट का रेट दिया हुआ है। नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है भाई, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए डिक्रीजेस ड्यूरिंग द रिएक्शन, यही तो रिप्रेजेंट करता है। बट इसका ये मतलब नहीं कि रेट नेगेटिव है, बस ये नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि कंसंट्रेशन घट रहा है। तो इसका आंसर थ्री होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू का आंसर क्या, द यूनिट ऑफ रेट ऑफ द रिएक्शन इज मोल पर लीटर सेकेंड, ठीक है, मोल पर लीटर सेकेंड। तो इसका आंसर क्या होगा, वन का सॉरी टू का हो जाएगा द यूनिट ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन। ओके ओके सॉरी माय द यूनिट ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन, ये जो होगा आपका सेम फॉर ऑल इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज, सेम फॉर ऑल रिएक्शन एंड नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द, हाँ सही बात है, सारे रिएक्शन के लिए सेम रहेगा। मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर क्या रहेगा, सारे रिएक्शन का आप बोल सकते हो ऑल ऑफ दिस होगा, टू का फोर होगा, टू का फोर हो जाएगा, ठीक है। थ्री क्या बोला, फॉर द रिएक्शन एन टू फाइव टेंस टू फोर ऑफ एन टू प्लस ओ टू, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओ टू सेम एज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन टू। चलो आपको रिएक्शन क्या दिया हुआ, ट्वाइस ऑफ एन टू फाइव, ट्वाइस ऑफ एन टू फाइव टेंस टू गिव फोर ऑफ एन टू प्लस O2, ठीक है। अगर इसका रेट ऑफ द रिएक्शन को तो माइनस वन बाई टू डी ऑफ एन टू ओ फाइव बाई डी टी, ठीक है, इज इक्वल टू प्लस वन बाई फोर डी ऑफ एन ओ टू बाई डी टी, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ डी ओ टू बाई डी टी, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है, इसका रेट ऑफ द रिएक्शन। तो अगर हम इसकी बात करूं तो इसमें कौन सा होगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओ टू इज सेम एज एन ओ टू, गलत दिया हुआ पहले स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट क्या था, रेट ऑफ appear disappearance of N2O5 is twice of NO2, ये भी गलत दिया हुआ। Rate of O2 formation of O2 is 1 by 2 times of rate of disappearance, हाँ ये option number 3 is correct answer है। तो यहाँ से अगर 3 मेरा क्या हो सकता है, correct हो सकता है, ठीक है। Question number 4 क्या बोला, what is the unit of rate constant of nth order, ठीक है। तो आपको पता है ये formula है, mole पर लीटर वन माइनस एन सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, मोल लीटर पर मोल एन माइनस वन पर सेकेंड, तो फोर का फोर ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या बोल रहा है, डीएक्स बाई डी टी ए का पावर 0.5, बी का 0.5, सी का 0.5, मतलब तो टोटल ऑर्डर क्या होगा, समेशन ऑफ दिस, तो 1.5 होगा, 5 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकेंड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सिक्स नंबर क्या बोला, एस टू प्लस ओ टू टेंस टू गिव ट्वाइस ऑफ एच आई, और एलिमेंट्री रिएक्शन बोला है। तो आपको याद होगा मैंने एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए बोला था, जब एलिमेंट्री बोल दिया जाए तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसका क्या हो जाता है, ऑर्डर हो जाता है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर में बात करो सिक्स की, क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करो तो एच टू प्लस ओ टू ट्वाइस ऑफ एच आई, ये बोल दिया ऑलरेडी एलिमेंट्री रिएक्शन है। इसका मतलब इसका जो ऑर्डर होगा एच टू का पावर वन और आई टू का पावर वन हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला है, If the volume of the container become the gaseous mixture is increased to the two times, ठीक है, volume को दुगना किया था तो final rate of the reaction, तो आपको पता है total order तो आपके इसका कितना है, two है, तो आपको पता होगा change in rate बराबर जो होता था, मैंने आपको बताया था change in rate is equal to क्या होगा, one by change in volume का power order, ये आपको मैंने बताया था ये shortcut तरीका। तो volume दुगना किया, order कितना है भाई आपके पास, total two, तो one by 4 टाइम्स क्या हो जाएगा आपका, रेट हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे यहां तक ये आपने कर लिया होगा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, 6 का ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। 7 क्वेश्चन में क्या बोला, इन अ सर्टेन रिएक्शन शोन बिलो 4a plus 2b tends to give 3c, ठीक है, 4a plus 2b tends to give 2c, 7 नंबर क्या बोला, 4a plus 2b tends to give 3c, ये कोई रिएक्शन मुझे दिया हुआ है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी जितना, व्हाट विल बी द रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन को मैं क्या कर सकता हूं, +1/3 dc by dt लिख सकता हूं, dc by dt किसने वैल्यू कितनी दी हुई है, dc by dt किसने वैल्यू दी हुई है, 9.6 10 रेस टू -2, तो ये कितना हो जाएगा, 4.8 into 10 रेस टू -2, तो 7 का ऑप्शन कितना हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 8 नंबर की बात करते हैं हम, 8 नंबर क्या बोला, द रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट, द रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट, वो तभी हो सकता है जब a का पावर क्या है,
जीरो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर, ठीक है। एट नंबर, नाइन नंबर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर नाइन क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिए। H2O2 twice of H plus, ठीक है, H2O2 twice of H plus plus thrice of I minus tends to give I3 minus plus H2O, I3 minus plus twice H2O, sorry, plus twice H2O, ठीक है। Select the correct statement, ठीक है, the rate of disappearance of H2O2 will be थ्री टाइम्स द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आई माइनस, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग क्या है, कभी भी ऐसा कोई कंफ्यूजन हो ना तो हमेशा रेट का इक्वेशन लिख लो। तो रेट का इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस माइनस डी ऑफ एच टू ओ टू बाई डी टी टेंस टू गिव माइनस वन बाई टू डी ऑफ एच प्लस बाई डी टी टेंस टू गिव माइनस वन बाई थ्री डी ऑफ आई माइनस बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस डी ऑफ आई थ्री माइनस बाई डी टी और इज इक्वल टू प्लस वन बाई टू डी ऑफ एच टू ओ बाई डी टी। अब मैच कर लीजिए, जो स्टेटमेंट मैच कर रहा होगा तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो मुझे लगता है ऑप्शन नंबर थ्री करेक्ट है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आई माइनस विल बी थ्री टाइम्स ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आई थ्री माइनस। तो थ्री यहाँ पे ले चला जाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो होगा वो आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके वी डबल द कंसंट्रेशन ऑफ ए, सेम इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको करा है कि जब कंसंट्रेशन ऑफ ए को डबल किया गया, लेट इन द रेट ऑफ इक्वेशन क्या होगा, के ए का पावर एक्स और बी का पावर वाई, तो इसका ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए एक्स मान लेता हूं और ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू मैं वाई बी वाई मान लेता हूं, ठीक है। क्या बोल रहा है कि जब ए को डबल किया गया तो रेट टू टाइम्स हुआ, इसका मतलब बी को कॉन्स्टेंट रखा, तो मुझे मतलब किससे, टू का पावर एक्स से है, रेट को क्या, रेट क्या हुआ, डबल हुआ, तो मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बन आ जाएगी, खत्म। अब क्या बोला, अदर एक्सपेरिमेंट में क्या किया, दोनों को डबल किया गया तो रेट तब भी डबल है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, टू का पावर एक्स इंटू टू का पावर वाई, मतलब दोनों कंसंट्रेशन डबल हुआ तो रेट डबल ही है। एक्स अगेन मेरा कितना है, वन है, तो एक्स वन है तो टू टू कैंसिल हो जाएगा, तो टू का पावर वाई इक्वल टू वन है, इसका मतलब वाई मेरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओवरऑल ऑर्डर कितना हो जाएगा, जीरो प्लस वन वन होगा, तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा इलेवन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, इन ए जीरो ऑर्डर रेशियो 20% कंप्लीट्स इन 10 सेकंड, हाउ मच टाइम इट विल टेक इन, ओके दो आसान है, देखो क्वेश्चन नंबर 12, जब भी परसेंटेज बोला तो इनिशियल हमेशा कितना 100 a नॉट माइनस 80, मतलब 20% का भी होता है 80 इक्वल टू k, टाइम कितना ले रहा है 10 सेकंड, तो ये कितना हो जाएगा, k इक्वल टू बचेगा आपका 2, ठीक है। तो और t हाफ बराबर क्या होता है, a नॉट बाय 2k, तो मतलब a नॉट 100 था, 2 इनटू 2 मतलब 25 हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा 25, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, सेकंड हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या, अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला, द हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इतना, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, मेरे साथ तो सबने कर लिया होगा, 13 नंबर क्या होगा, हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 बाय के, तो के इक्वल टू कितना, 0.693 बाय हाफ लाइफ कितना है इसका, 50 सेकंड, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मेरे हिसाब से आंसर कितना आता है, 1.38, मतलब ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, ठीक है, ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, इन द अबव ऑर्डर इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन हाफ लाइफ एंड कंसंट्रेशन, तो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू द एक्स मतलब पैरेलल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एक्स एक्सिस, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। 15 नंबर क्या बोल रहा है, 15 नंबर देखो, 15 नंबर में क्या बोल रहा है, पहले एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व करो, 15 नंबर में, ठीक है, 15 नंबर में लिख देता हूं, इन अ गिवन डाटा कंसंट्रेशन ए कंसंट्रेशन बी
कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी और रेट उसने दिया हुआ मोल पर लिखा, परसेंट यूनिट नहीं लिख रहा मैं, ये 0.02 था, बी कितना था मेरा 1.2 था, तब मुझे रेट मिला 3 × 10⁻³। ठीक है, अगेन इस दोनों को डबल किया, ये 2.4 हुआ तो रेट 6 × 10⁻³। तो दो पॉसिबिलिटी है, दो पॉसिबिलिटी है, ये तो होगा श्योरेंस और फर्स्ट ऑर्डर का, क्या होगा फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन, या तो टोटल मिला के ऑर्डर क्या होना चाहिए, दोनों का फर्स्ट ऑर्डर होना चाहिए। देखो ये भी डबल करने से रेट डबल हो रहा है, ये भी डबल करने से क्या हो रहा है, रेट डबल हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होंगे। ठीक है, या तो मेरे हिसाब से तो रिएक्शन में भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 15 का 1 हो जाएगा। तो देखने से समझ में आ रहा है, ऑर्डर डबल करने से रेट 2 का रेट 2 टाइम्स बढ़ रहा है, मतलब 2 का पावर 1 होना चाहिए तभी वो हो सकता है ऐसा, इस वजह से तो आप बोल सकते हो फर्स्ट ऑर्डर, देखने से तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में बहुत ही आसान है, 75% आपको दिया हुआ, 99 पूछा है, वेरी गुड क्वेश्चन, आसान। T75 मुझे पता होता है ट्वाइस ऑफ T हाफ होता है, तो T हाफ बराबर कितना हो जाएगा, T75% बाय 2, ऐसा स्टैंड टेबल आपको मैंने बताया था। तो T सब देखो, इसलिए मैं बोलता हूं वो टाइम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब यहां पे क्या, जिस बच्चे को ये फार्मूला नहीं याद रहेगा वो पहले K निकालेगा फिर 99, जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला पुट कर, डायरेक्ट वो शॉर्टकट अपनाइए, डायरेक्ट आंसर आएगा। T75 आपको कितना दिया उसने, 30 दिया, तो 30 बाय 2 मतलब कितना हो जाएगा 15, और T अगेन 99.9, तो मतलब 10 टाइम्स ऑफ T हाफ होता है, मतलब 10 × 15, तो दैट्स नथिंग बट 150 मिनट। ठीक है, तो ये अगेन मेरा आंसर हो गया। 17 नंबर की बात करो, इन अ जीरो ड्यूरेशन T हाफ विल बी क्या होगा, अच्छा जीरो डॉट ए नॉट बाय 2 के, मतलब ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है। 18 नंबर है सोडो ऑर्डर रिएक्शन, द एक्चुअल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इन डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपेक्टेड यूजिंग द रेट ऑफ, हां ये बात सही है बिल्कुल, द कंसंट्रेशन ऑफ एटलीस्ट वन रिएक्टेंट इज टेकन इन लार्ज एक्सेस, ये भी सही है, द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टेकन इन एक्सेस मे बी टेकन एज कांस्टेंट, बिल्कुल सही बात है, तो मतलब तीनों ऑप्शन करेक्ट है, मतलब ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 आप अभी के लिए छोड़ सकते हो, जब मैं आपको मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन पढ़ाऊंगा तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में सॉल्व करना बताऊंगा। ठीक है, हालांकि ये सब आप अभी नहीं कर पाओगे क्योंकि ये थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, तो प्लीज इन माय ओपिनियन अभी के लिए क्वेश्चन छोड़ सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 का हाफ लाइफ ऑफ द जीरो ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 का सेकंड हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है, द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन RCl + NaOH टेंड्स टू गिव RONH। ठीक है, 21 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 मेरे लिए क्या बोल रहा है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RCl, मतलब ये NaOH के पावर को, NaOH क्या है मेरे, जीरो ऑर्डर हो जाएगा और RCl फर्स्ट ऑर्डर का, तो डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ NaOH क्या रेट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं इफेक्ट पड़ेगा, तो रेट का किससे डायरेक्ट इफेक्ट है, अल्काइल हैलाइड से, तो हाफ ऑन रिड्यूसिंग द कंसंट्रेशन, हाँ ये हाफ होगा तो वो भी हाफ हो जाएगा, तो 21 का सेकंड आंसर करेक्ट दिया हुआ। ठीक है, 22 क्या बोल रहा है, रेट कॉन्स्टेंट फॉर द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन फॉर द हाइड्रोजन, तो बहुत ही आसान है, और क्या बोला, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ठीक है, 22 में कुछ नहीं कहता, के इक्विलिब्रियम मैंने आपको पहले बताया था, केएफ बाय केबी, केएफ केबी की दोनों की वैल्यू दी है, जस्ट पुट योर आंसर, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, इसका ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। 21 का आंसर क्या होगा, 21 का आंसर होगा सेकंड इसका आंसर होगा। ठीक है, सेकंड इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, following rate equation must be correct if on doubling the concentration of x and the gets double, doubling concentration ka x double karne se rate of the reaction double ho raha, matlab x to short and short 1 hoga to y 2 hona chahiye, to mere hisab se option second correct diya hua hai. Theek hai, second correct option hai 24 ka, to to mere hisab se dekh dekh ke aap question solve kar chuke hoge sab. Theek hai, question number 24 ka 2 diya hua hai, 25 kya bol raha hai, 25 aapko dekho fir se, 25 आपको बोल रहा है फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के दिया हुआ है, इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज इतना, देन 10 मिनट के बाद कितना होगा। ठीक है, तो a0 - at बराबर क्या होगा, kt, तो at बराबर क्या होगा, a0 - kt, a0 आपको 1 दिया हुआ, k आपको दिया हुआ 10⁻³ दिया हुआ, और टाइम आपको दिया हुआ 10 मिनट, तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करो, यही बच्चा गलती करेगा,
के का यूनिट देखो किसमें दिया, मोल पर लीटर पर सेकंड में, तो इसको 60 में कन्वर्ट कर दो, तो 0.00 तो ये क्या था 1 माइनस 0.6, तो दैट्स नथिंग बट 0.4 आंसर होगा इसका, ठीक है। तो दैट्स इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा, क्वेश्चन नंबर 26, द सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अंडरगो 80% डिकम्पोजिशन 345 द हाफ लाइफ, आसान है, ठीक है। के बराबर कितना दिया, 1/345 एल एम, 80% डिकम्पोज किया तो ऊपर 80 हो जाएगा, नीचे 20 हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, तो एल एन 5/345 के हो जाएगा, और हाफ लाइफ इसका क्या हो जाएगा, एल एन टू बाय के, तो एल एन टू डिवाइडेड बाय एल एन 5 × 345, तो मतलब मैं लिख सकता हूँ एल एन 2/5 × 345 मतलब मेरे हिसाब से एल एन 2/LN5 मतलब ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, ये भी और ये दोनों करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, 99% ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज कंप्लीटेड इन 32 मिनट्स, 99 कितना होता है, अगेन देखो यहीं देखो बहुत काम आता है, क्योंकि मुझे पता है टी 99% जो होता है 6.66 टाइम्स ऑफ क्या होता है टी हाफ, मतलब मैं इसको 20/3 टाइम्स ऑफ टी हाफ बोल सकता हूं, तो टी हाफ मेरा कितना होगा 3/20 × 99% कितने में कंप्लीट हो रहा है 32 में, 32 मतलब ये 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5, मतलब 24/5 मिनट हो जाएगा। उसने क्या पूछा मेरे से 99.9 मिनट कितने में कंप्लीट होगा, तो टी 99.9 मिनट जो होगा वो 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ, 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ मतलब 24/2 मतलब ये 2 मतलब 48 मिनट में होगा मेरा, कितना होगा 48 मिनट, तो दैट्स ऑप्शन 4। इससे बताओ ये सब चीजें फॉर्म में याद रखो तो तुरंत तुरंत क्वेश्चन बनेंगे आपसे, आपको बहुत ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो एसएस टाइम टेबल इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। For a reaction, it has to be, it has been found that the order of the reaction is zero with respect to A. अच्छा, A के respect में zero order है, तो following correct operation क्या था? Second option is the correct, A naught minus AT equal to KT, ठीक है? Question number 29, a substance react according to the zero order, so the time taken for the, time it takes for completion, तो half life होता है zero order का A naught by 2K, तो complete order कितना है? A naught by K, formula याद को दिया हुआ है, तो option A is the फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 29 का 1, 28 का 2 हो, 28 का 2, 29 का 1, 30 का पुट कर रहे हैं, ठीक है। 30, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अ स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेंड इफ यू प्लॉट, स्ट्रेट लाइन ऑब्टेंड कब आपको मिलेगा, मेरे हिसाब से जो आंसर होना चाहिए लॉग ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, राइट। हां राइट, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम क्या होता था मेरा, ऐसा होता था है ना, फर्स्ट ऑर्डर में लॉग ऑफ कंसंट्रेशन, नहीं ऐसा नहीं होता था, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन शायद 30 का 1 30 का, स्ट्रेट लाइन ऑफ स्टैंड, स्ट्रेट लाइन बोल रहा है, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अ स्ट्रेट लाइन इट ऑब्टेन इफ यू प्लॉट, के फॉर्मूला देखो मेरा क्या होता था, ए टी बराबर होता था ए नॉट ई रेस टू माइनस के टी, तो लॉग ऑफ KT बराबर होगा log of a naught minus KT, हाँ बराबर है, straight line होगा, इस तरीके से graph होगा, बराबर है, इसी case में straight line लेता, बाकी हर case में exponential graph होता, बराबर है, ठीक है। 30 का first answer correct है। 31 क्या बोला, consider the following in respect of zero order, ठीक है, t half is directly proportional to initial consideration, हाँ बराबर है, first option correct है, क्योंकि t half क्या होते हैं, directly proportional to initial consideration zero order के लिए। सेकेंड ऑप्शन क्या बोला, टाइम टेकन फॉर द कंप्लीशन फॉर द रिएक्शन इज ट्वाइस ऑफ टी हाफ, बराबर है, क्योंकि आपको याद होगा कि यहाँ से जब यहाँ टी हाफ कितना लग रहा है ए नॉट बाय टू के, तो यहाँ से यहाँ के लिए भी मतलब 0, 50, 100, तो आगे वाले के लिए भी कितना लगेगा ए नॉट बाय टू के, और टोटल टाइम कितना होगा इसका ट्वाइस होगा, मतलब ए नॉट बाय के, तो ये भी सही है, और कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीजेस लीनियरली विद टाइम, बिल्कुल सही है, तो 1 2 3 तीनों करेक्ट है इसके, ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट, 31 का 4 होगा, ठीक है। 32, इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन इज रिड्यूस्ड टू 1/4 इन अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन द टाइम टेकन फॉर द हाफ, इनिशियल कंसंट्रेशन पहले ए नॉट था,
बाद में 1/4 कर दिया, तो हाफ लाइफ जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट बाय 4, तो मतलब ये भी क्या हो जाएगा 1/4 टाइम हो जाएगा हाफ लाइफ, तो क्या बिकम्स 1/4 हो जाएगा। 32 का थर्ड आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर हमेशा क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर, दिखने में सेकंड ऑर्डर रहता है बट फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन होता है। 33 का 4 हुआ, 34 का क्या, इफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल द टाइम फॉर द हाफ लाइफ इज आल्सो डबल। इनिशियल कंसंट्रेशन डबल करने से हाफ लाइफ डबल हो रहा है, इसका मतलब ऑर्डर जीरो होगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर में ही होता है इनिशियल कंसंट्रेशन का। ठीक है, 35 क्वेश्चन बोला विच इज द ऑर्डर ऑलवेज ओबे द 1/8। तो देखो आप, हाफ लाइफ का nth ऑर्डर के लिए क्या होता था, हाफ लाइफ का ऑर्डर a नॉट का पावर 1 - n, तो n 2 पुट कर दूंगा तो ये हाफ लाइफ क्या हो जाएगा 1 / a नॉट हो जाएगा, अगर n 2 पुट कर दिया तो मतलब ऑपोजिट वाला सेकंड ऑर्डर के लिए होगा। तो आप देख लो जो जो मैंने शॉर्ट टेक्निक बनाया था उससे आप 35 क्वेश्चंस आप इजीली कितने आधे घंटे में कर पा रहे हो। ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज 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 जो शॉर्ट टेक्निक्स nth ऑर्डर के लिए जो मैंने बोला था या एसएस टाइम टेबल, वो सब प्लीज बहुत अच्छे से याद करता हूं कि सब क्वेश्चन जल्दी से बन जाता है। ठीक है, हां चलिए, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, कल आपका आरएनएस इक्वेशन चालू होगा।